हेलो गाइज, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे मार्कशीट संशोधन के संबंध में कि मार्कशीट को ऑनलाइन कैसे संशोधन किया जाए। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो शूट किया था यूट्यूब के लिए, जिसमें मैंने बताया था कि मार्कशीट को संशोधन करवाने के लिए आप क्षेत्रीय कार्यालय जाकर के वहां से भी करवा सकते हैं, तो आप बिल्कुल उस तरह से करवा सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन प्रोसेस से भी आप मार्कशीट संशोधन करवाया जा सकता है। साथ ही साथ जो भी आपकी शिकायतें हैं या जो समस्याएं हैं, जैसे आपके मार्कशीट को आपने संशोधन करवा लिया रीजनल ऑफिस जाकर के, लेकिन वो इंटरनेट पर शो नहीं कर रहा है, मूल प्रमाण पत्र आपका जारी नहीं हुआ है, प्रमाण पत्र की द्वितीय कापी आपको चाहिए, मूल अंक पत्र जारी करना, मूल अंक पत्र का द्वितीय प्रतिलिपि जारी करना, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन जिसको माध्यमिक शिक्षा परिषद ने ऑनलाइन पोर्टल बना दिया है, अब वहाँ से आप अपना आवेदन कर सकते हैं। और इसी के संबंध में आज का ये पूरा कंप्लीट वीडियो रहेगा। आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आएगा। और कुछ लोगों का एक क्वेश्चन हुआ करता था पिछली वीडियो में, कमेंट सेक्शन में मैंने देखा है, लोग कहते हैं कि सर मैंने मार्कशीट तो करेक्शन करवा लिया और ये ऑनलाइन नहीं शो हो रहा है, कहीं मेरा मार्कशीट फर्जी तो नहीं है। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, वो मार्कशीट आपका फर्जी नहीं होता है जो आपने क्षेत्रीय कार्यालय से जाकर के संशोधन करवा के आपको मिला हुआ है। बस उसको ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए, मतलब एक आपको और फॉर्म भरना होता है कि आपका मार्कशीट ऑनलाइन शो होने लगे, तो उसके लिए पहले व्यवस्था थी कि आप जाकर के रीजनल ऑफिस पहुंच करके वहां से भी आप प्रार्थना पत्र दे सकते थे कि मेरा मार्कशीट ऑनलाइन चढ़वाया जाए। तो उसके लिए आपका पूरा वो डिटेल बना करके वो भेज देते थे दिल्ली, वहाँ से चढ़ जाता था। लेकिन अब आप इन चीज़ों को ऑनलाइन भी कर सकते हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद के इस बोर्ड से। तो आइए चलते हैं सीधे कंप्यूटर के स्क्रीन पर और लाइव हम आपको ये सारा डिटेल बताते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टेक्निकल नॉलेज और यूजफुल वीडियोज हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं गाइज। इसके लिए आपको माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के इस वेबसाइट पर आ जाना है जो आप सामने देख पा रहे हैं, samadhan.upmst.edu.in। ये पोर्टल है, ये समाधान पोर्टल है। और आप यहां पर देख पा रहे हैं अंक पत्र प्रमाण पत्र के विवरणों में संशोधन, उनकी मूल प्रति द्वितीय प्रतिलिपि लेने एवं परीक्षा फल की त्रुटियों के संशोधन एवं किसी भी प्रकार की शिकायत आदि के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पोर्टल, यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। यहाँ से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा, लॉगिन करना होगा और अपने कार्यवाही की स्थिति भी आप यहाँ से जान सकते हैं। इसमें देखें क्या क्या सेवाएँ उपलब्ध हैं। जैसे सबसे पहले इसमें दिया गया है ऑप्शन में मूल प्रमाण पत्र जारी करना। आपको अगर अपना आपका मूल प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया है किसी कारण, बस स्कूल में आपके नहीं आया, तो उसके लिए आप यहां से शिकायत कर सकते हैं, जो कि 30 कार्य दिवस के भीतर आपका समाधान कर दिया जाएगा। प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि जारी करना, ये भी 30 कार्य दिवस आपको लग जाएगा। मूल अंक पत्र जारी करना 15 कार्य दिवस में ही आपका काम होगा। अंक पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि जारी करना, इसके लिए भी 15 कार्य दिवस है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं और यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बात करें तो कुछ यहाँ दिशा निर्देश दिए गए हैं, ये दिशा निर्देश आपको डाउनलोड करके PDF पढ़ लेना है। और जितने भी क्षेत्रीय कार्यालय हैं उनके यहाँ पे संपर्क सूत्र भी दिए गए हैं, आप चाहें तो वहाँ पे संपर्क भी कर सकते हैं किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए। बस आपको जब भी बात करना है तो बड़े शालीनता के साथ, क्योंकि अधिकारी हैं, उनसे आप अच्छे ढंग से बातचीत करके और अपने समस्याओं का शिकायत भी कर सकते हैं, उसके समाधान ही तो आपको वहाँ से जो दिशा निर्देश मिले उसी दिशा निर्देश का आप पालन करिए और इस पोर्टल के माध्यम से आप अपना काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है समाधान के अंतर्गत विभिन्न सेवाओं के उपयोग से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं निर्देश, यानी कि जो यूज़र मैनुअल है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यूज़र मैनुअल खुल जाएगा। वो यूज़र मैनुअल आप पूरी तरीके से यहाँ पे पढ़ लें। द्वितीय प्रमाण पत्र लेने हेतु परिषद द्वारा निर्धारित प्रारूप पर परीक्षार्थी का आवेदन पत्र जो विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा, ₹200 भुगतान टेजरी चालान जो उत्तर प्रदेश राज्य के राजकोष में 0202 शिक्षा खेल कला संस्कृति, ये जो भी यहाँ पे लिखा हुआ ये सारा कुछ आप पढ़ लेंगे और इसको पढ़ने के बाद ही आप काम करेंगे। सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण परीक्षा फल के संशोधन हेतु क्या करना है, माइग्रेशन हेतु क्या करना है,
बोर्ड की वेबसाइट पर अगर आपका परीक्षा से संबंधित डाटा अपलोड नहीं किया गया है तो आपको क्या अपलोड करना है, ये सारा कुछ यहाँ से पूरा पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेंगे, पढ़ लेंगे, उसके बाद ही आवेदन करेंगे। आवेदन करने के लिए आप यहाँ मेन पोर्टल पर आ जाएंगे और यहाँ से ऑनलाइन पंजीकरण करेंगे। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों डालना है, ओटीपी भेजना है। ओटीपी में एक जो ओटीपी आएगा उसे आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे, उसके थोड़ी देर के बाद आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपके ईमेल आईडी पर रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा और उसके तत्पश्चात आप दूसरे वाले ऑप्शन पर आकर के लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे जैसे मैं लॉगिन कर ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लिया था गाइस। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार का पोर्टल आपको दिखाई देगा। यहाँ पे जिस सेवा से संबंधित आपको काम है उस ऑप्शन को आप यहाँ पे टिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे अभी मुझे संशोधित प्रमाण पत्र जारी करवाना है या इंटरनेट पर आपका जो आपने संशोधन करवा लिया। अभी हाल ही में एक भाई ने मुझे फ़ोन किया था, मुझे लगता है एक हफ्ते पहले, उन्होंने कहा था सर कि मैंने तो मार्कशीट संशोधन करवा लिया था एक साल पहले ही, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये इंटरनेट पर नहीं चढ़ेगा, इस वजह से मैं देख रहा हूँ कि जो मैंने मार्कशीट संशोधन करवा के मैं लेकर के आया हूँ उसका डिटेल ऑनलाइन नहीं शो रहा है, पुराने वाले मार्कशीट का ऑनलाइन शो हो रहा है। तो मैंने उन्हें बताया कि भाई आपने गलती की है, आपको इंटरनेट पर इसे चढ़वा देना चाहिए, उसके लिए आपको आवेदन करना होता है। तो उन्होंने बताया कि इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी, तो उसी संबंध में मैं बताना चाहूँगा अगर आपका भी मार्कशीट ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है तो आप यहाँ से भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10वें नंबर पर संशोधित प्रमाण पत्र अंक पत्र को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु। मान लीजिए आपका मार्कशीट ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है, जो आपने संशोधन करवाया पहली बार जब आपको मिलता है तो वो तो इंटरनेट पर शो ही होता है, लेकिन आपने संशोधन करवा लिया, नाम में स्पेलिंग सही करवा लिया, लेकिन अभी ऑनलाइन तो पुराना वाला ही स्पेलिंग शो हो रहा है, तो यहाँ पे संशोधित प्रमाण पत्र अंक पत्र को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ये ऑप्शन हम चयन करेंगे और चुनी गई सेवा से संबंधित प्रपत्रों को अपलोड करें। इसके बाद गाइज कुछ इस तरह का पोर्टल खुल जाएगा और यहाँ पे आप सबसे पहले अपने जनपद का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। आप अपना आवेदन जिस नाम से आपको जो मार्कशीट में चढ़वाना है, आपको जो आपने करेक्शन करवा लिया है वही नाम यहाँ पर डालें। आवेदक के पिता का नाम जो मार्कशीट में है वही डालना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपना आधार नंबर, अपना पत्राचार का पूरा कंप्लीट पता यहाँ आपको लिख देना है, अपना एड्रेस ये सब सिलेक्ट कर लेना है एंड सेव न्यू रिक्वेस्ट इस पर आपको क्लिक कर देना है। अपना रोल नंबर भी लेना है, यानी कंप्लीट इस फॉर्म को भर देना है। गाइज आपका रिक्वेस्ट सफलतापूर्वक जब सेव हो चुका हो, सबमिट हो चुका हो, उसके बाद आपको आकर के पोर्टल पर देख लेना है कि आपने जिस भी संबंध में रिक्वेस्ट डाला है वो कितने दिन के अंदर, उसकी समय सीमा क्या है, वो यहाँ पर आप आकर के चेक कर लेंगे। उतने कार्य दिवस के बाद आप वापस पोर्टल पर कार्यवाही की स्थिति जानने के लिए दोबारा लॉगिन कर लेंगे। संभवतः आपने जिस भी संबंध में रिक्वेस्ट डाला होगा उसका निस्तारण हो चुका होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने अपने मार्कशीट में ऑनलाइन अपडेट के लिए रिक्वेस्ट डाला था तो वो अपडेट हो चुका होगा और फिर आप कहीं पे भी अपने मार्कशीट का वेरिफिकेशन करवा सकेंगे। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियो लाते रहें। मिलेंगे फिर किसी नए और अपडेटेड वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।